कबाब बनाने के लिए ये एक कप के हिसाब से हमने अखे मसूर लिए थे जो रात को भिगा के रखे थे और हमने बॉईल कर दी। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और इसमें हम एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, क्वार्टर टी स्पून हम हल्दी लेंगे और क्वार्टर टी स्पून हमने कसूरी मेथी लिया। स्वाद के हिसाब से नमक आप डालिएगा। ये कटी हुई मिर्ची है, ये हम थोड़ा तीखा खाते हैं तो आप तीखा भी ले कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। थोड़ी अजवाइन है ताकि गैस ना हो। एक छोटी प्याज कटी हुई लिए और थोड़ा सा हरा धनिया, ये भी कटा हुआ है, और तीन आलू है ये बॉईल करके स्मैश किया हुआ, ये हम दाल में डालेंगे। ये सब जो इंग्रेडिएंट्स है ये हम सबको मिक्स करना है, मसाले और ये प्याज मिर्ची अजवाइन ये सब हमको मिक्स करना है। ये मैदा है जो हम इसकी स्लरी बनाएंगे, जो नमक डाल के हम इसकी स्लरी बनाएंगे। ये कोटिंग के लिए हमने ब्रेड क्रम्स लिया हुआ है और तलने के लिए तेल। हम बाउल लेंगे, इसमें हम ये आलू बॉईल किया हुआ है ये डालेंगे। उसके बाद हम ये बॉईल अखे मसूर ये डाल देंगे, फिर इसके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आलू और दाल, ये जो अखी मसूर ये हमने मिक्स कर दी। आलू इसके लिए हम डाल ताकि बाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये कबाब है ना, इसके लिए हमने आलू डाले। अगर कीमे के रहते तो इसमें आलू डालने की जरूरत नहीं रहती, ये बाइंडिंग के लिए हमने इसमें आलू डाले। ये हम अभी अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये डालेंगे, हरी मिर्च, थोड़ी अजवाइन और ये सूखे मसाले ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये चॉप किया हुआ प्याज और ये हरा धनिया। अभी हम सारे जो ये चीज है, ये जो मसाले और ये दाल और आलू है, अभी हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स बना के टिकिया बना लेंगे। हमने ये सारे सब मिक्स कर दिए, अभी आपको कबाब बताते कि किस तरह की शेप देना है, तब शेप भी दे सकते हैं। जो लेमन है लेमन के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा। इसे बनाकर फ्रिज में आधा एक घंटे के लिए रखिए ताकि थोड़ा सेट हो जाए। मिर्चे आपके हिसाब से आप डालिएगा। ये इस तरीके से मैं आपको ये पूरे बना के आपको बताती हूँ। हमने मैदे की स्लरी बना दी, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इस तरीके से हमने स्लरी बना दी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से ये करके मैदे में डिप करेंगे। तेल पहले हमने गरम करने रखा है, ब्रेड में कोट करेंगे। अगर आपके पास पैनको है नो प्रॉब्लम, चलेगा। ऐसे शैलो फ्राई करना है मीडियम आंच पर। हमारे अखे मसूर के कबाब बन के रेडी हैं इस तरीके से, देखिए, ठीक है। इसके हमने 10 कबाब बनाए। अगर आपको छोटे बनाने हैं तो छोटे भी बना सकते हैं। अखे मूंग जो होते हैं उसे भी हम भिगोकर, रात भर भिगोकर और इसी तरीके से हम बॉईल करके उसके भी हम बना सकते हैं।
और हैमबर्गर बनाते हैं जो मटन के होते, चिकन के होते, जो दाल के जो हम बनाते हैं, तो आप इसके भी हम बना सकते हैं। और जो हैमबर्गर जो ब्रेड जो मिलता है, अगर वो ना मिले तो लादी पाव जो मिलते हैं आप उसके भी बना सकते हैं, चटनी वगैरह जो मेयोनीज है वो उसमें डालकर जो लगाकर प्याज टमाटर जो भी है उसमें ये करके हम बर्गर बना सकते हैं। और पकौड़े जो हम बनाते हैं, जो अभी रमजान का टाइम चल रहा है तो हम पकौड़े अलग अलग तरीके के जो हम पकौड़े बनाते हैं, तो उससे कभी कभी क्या हमको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसमें अजवाइन और हींग डालना बहुत जरूरी है, ताकि जो हम खाते हैं जो तीखी चीज जो खाते हैं हमको कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, तो वो हाजमा सही से होने के लिए हमको डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।